गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको लास्ट सैटरडे ये बताया था 7 चैप्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में। उसमें बस एक प्रॉपर्टीज और रह गई है आपकी, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू कर दी है मैंने। तो देखिए इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज क्या है। मतलब कि जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल बड़ा दिया है, सबसे बड़ा यही एंगल है क्योंकि ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड लिख लो यहां पर, लॉन्गर साइड इज लार्जर। मतलब कि हमेशा किसी भी ट्राइंगल में अगर जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला ऑपोजिट, मतलब उसके सामने वाला एंगल जो हमेशा लॉन्गर होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल बड़ा है तो उसके ऑपोजिट साइड बड़ी होगी, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। यानी कि पी क्यू इज लार्जर साइड। अब एक्सरसाइज आपकी 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको फिगर दी गई है ए बी सी डी, ठीक है। अब उनने क्या बोला है, ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है, ए बी सी डी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। इस क्वाड्रिलेटरल में उन्होंने बताया है कि जो एसी है वो एडी के इक्वल है और एबी जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। मैंने इसको वन लिख लिया, इसको टू। अब उन्होंने बोला ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट करके बताने हैं, और कॉन्ग्रेंट के लिए मैंने आपको बोला था कि तीन प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। देखिए पहली इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड बीच में कॉमन है। तो साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो उन्होंने पूछा है कि बीसी और बीडी क्या होंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैंने आपको बोला था इसका हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी बीसी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बीडी के बाय सीपीसीडी। तो मैंने पहले जो गिवन था वो गिवन में लिखा। गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एसी इक्वल टू ईडी, एबी बाइसेक्ट एंगल ए दैट इज एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये आपका आ गया गिवन में। अब आएगा प्रूव, टू प्रूव। ट्रू प्रूफ में क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी, ये वाला ट्राइंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, एबीडी के। किसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, एबीडी के। ये किसका साइन है, कॉन्ग्रेंट का। अब हमने क्या किया, प्रूफ लिखा मतलब सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल एबीसी दोनों ट्राइंगल लेंगे एंड ट्राइंगल एबीडी, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एसी किसके इक्वल है, एडी के, वही लिखा मैंने। एसी किसके इक्वल है, एडी के, गिवन है। एंगल वन और एंगल टू आपस में इक्वल है क्योंकि एबी इसको बायसेक्ट कर रही है। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एबी बायसेक्ट एंगल ए, और एबी इक्वल टू एबी, बीच में एक लाइन क्या है इनके, कॉमन। तो ट्राइंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल एबीडी के बाय साइड एंगल साइड रूल। तो सीपीसीटी से बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, बाय सीपीसीटी बीडी के, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी आपको क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपको गिवन क्या दिया है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको ए डी जो है वो किसके इक्वल दिया है, बी सी के, और ये पूरा एंगल यानी सी ए किसके इक्वल दिया है, डी ए बी के। तो ये मैंने जो गिवन था वो मैंने गिवन में लिख लिया। अब आता है टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है इस ट्राइंगल की बी डी वो किसके इक्वल है, ए सी के। ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट, पहला पार्ट, ये दूसरा इस साइड इक्वल, और तीसरा ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल करने हैं, ठीक है। तो देखो जब आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो ये दोनों सीपीसीटी से अपने आप ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, और कॉन्ग्रेंट के लिए तीन प्रॉपर्टी जरूरी है। देखो तीनों प्रॉपर्टी दी है आपको, ए बी डी और सी ए बी में। देखो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल गिवन है, ये बीच में कॉमन है, और ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी गिवन है, यानी साइड साइड के बाद फिर एंगल फिर साइड,
साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. सेम पहले जैसा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, एंगल डी ए बी इक्वल टू सी ए बी ये भी गिवन, ए बी बीच में कॉमन. देखो ए बी बीच में क्या है, कॉमन. इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी ये भी आ रही है. उसके बाद दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. देयर फोर ट्राइंगल ए बी, ये होता है देयर फोर का साइन. देयर फोर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड रूल. तो सीपीसीटी से क्या इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी से बाकी बचे हुए पार्ट, बाकी बचा हुआ पार्ट ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा. तो वही मैंने बाय सीपीसीटी से दोनों आंसर्स लिख दिए, बी डी इक्वल टू सी ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी बाय सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड. दोनों क्वेश्चन आप लोग आज करो, बाकी के क्वेश्चन सब मैं कल कराऊंगी. ठीक है.